इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट चल रही है, आप किसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपने देखा होगा 4000 के आसपास शिक्षकों के पद भरने की बात कही जा रही है। पुलिस कांस्टेबल की बात करें, फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, GIT इत्यादि विभिन्न तरह के पदों की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कोरोना काल के दौरान वो बाधित हुई थी, लेकिन अब वो सुचारू होती हुई यहाँ पर दिख रही है। साथ में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार अब कुछ में, अभी तक आप देख रहे थे जो आपका टेट होता था वो आपका TGT आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल पंजाबी JBT इत्यादि सब्जेक्टों का होता था, लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है कि यदि आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी विषय के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको टेट करना होगा। उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर लगी है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न तरह के जो 26 पोस्ट कोड है जिनकी लिखित परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी, इन परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए स्कूल और कॉलेज को खोलना अनिवार्य होगा, क्योंकि देखिए काफी ज्यादा स्टाफ की यहां पे जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जहां पे कुछ स्टाफ आज की डेट में आ रहा है, तो उनके सहयोग से बोर्ड की कोशिश रहेगी कि वो अपना पेपर कनेक्ट करवाए। 3 या 4 पोस्ट कोड की तिथियां भी निर्धारित कर दी गई है, उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन आपको एक बताना चाहूंगा, यहां पर एक अच्छी खबर है कि जो शिक्षक है उन्हें भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोरोना की वैक्सीनेशन दी जा रही है और ऐसा अनुमान है कि जल्दी ही ये स्कूल खुल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे स्कूल में कुछ अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में यदि हम बात करें तो ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। तो आप तन मन धन से जुट जाइएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा कि नहीं आपकी परीक्षा पता नहीं कब होगी। सकारात्मक सोच के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। दूसरी बड़ी खबर आई है, प्रदेश में हर श्रेणी के शिक्षक बनने को अब टेट अनिवार्य है। जैसे आपको पहले भी कहा कि अब देखिए जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें कहा गया है कि जो टेट है आपका वो हर तरह, यदि आपने स्कूल में लेक्चरर बनना है तो उसके लिए भी आपको टेट करना पड़ेगा। लेक्चरर इन जैसे पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में है आप, इस तरह का आपका टेट होगा। लेकिन एक इसमें भी आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आपको एक बार ही क्वालिफाई करना है, ताउम्र आपके साथ हो डिग्री के रूप में ही रहेगा, एक वो आपके लिए एक एलिजिबिलिटी का काम करता रहेगा। तो एक बार आपको क्वालिफाई करना होगा क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है वो फॉरएवर कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट में इशू जाएगा और टेट के ऊपर क्या बड़ा निर्णय आता है उसके ऊपर भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर आज प्रकाशित हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार देखिए इनके लिए भी पॉलिसी बना रही है। देखिए विशेष तौर पे हम बात करें जो अभी आपका हेल्थ डिपार्टमेंट था उसमें देखिए कोरोना काल में किस तरह का अपना जीवन संकट में डालकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने काम किया और भी बहुत से डिपार्टमेंट में जो आउटसोर्स कर्मचारी है डिपार्टमेंट की बैकबोन बनी हुई है। तो सरकार की निगाहें भी इसके ऊपर है कि क्या उनके भविष्य के बारे में कुछ किया जाए। तो यहाँ पर अब देखना दिलचस्प होगा हिमाचल प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए किस तरह की पॉलिसी लेकर आती है, उसके ऊपर भी काम होना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए कुछ पोस्ट कोड है जहाँ जिनको आप देख रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा ताकि आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद हो। तो देखिए ये परीक्षाएं आपकी पहले निर्धारित थी और अब देखिए उनको रीशेड्यूल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 17/6/2021 इन परीक्षाओं का आयोजन शुरू होना होगा और 29/6/2021 तक इन परीक्षाओं का ये आयोजन चलेगा। तो आप देखिए परीक्षाएँ शुरू हो चुकी है। तो आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 तारीख आज है, तो आज आपका सब इंस्पेक्टर फिशरीज का पेपर होगा, ठीक है जी। उसके बाद कल आपका देखिए कनेक्टर पोस्ट कोड जो भी है ये इसके लिए निर्धारित किया गया है, जो इनका आई थिंक इवेल्युएशन टेस्ट है उसके ऊपर इनका काम चलेगा अभी, ठीक है। तो अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचित कर दिया गया है, अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में स्वयं आयोग के टोल फ्री नंबर दूरभाष नंबर पे आयोग की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका कुछ क्लियर नहीं कहा गया है कि ये किससे संबंधित, आई थिंक ये जो वेन्यूज होंगे इन्हें कमीशन की तरफ से यहाँ पर आप इन नंबरों के माध्यम से भी इस खबर की पुष्टि कर लीजिएगा। हम कमेंट सेक्शन में आपको इस के बारे में अपडेट कर देंगे कि इन्हें कैंसिल किया गया है या क्या किया गया है, ठीक है जी। यहां पे इसकी कटिंग पूरी क्लियर नहीं है। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा निर्धारित हो चुकी है। पिछले कल हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी दिया था। तो देखिए 6 परीक्षाएं आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकी तिथियां निर्धारित हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अब सजग दिख रहा है विभिन्न तरह की परीक्षाओं को करवाने के लिए।
कोरोना के बाद फॉरेस्ट गार्ड के भी 311 पदों को भरने की बात कही गई है। तो कुछ दिनों में आपको हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पदों पर भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। और देखिए, एक डिमांड की गई है जेबीटी की तरफ से 1225 पदों को भरने की भी गुहार लगाई गई है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पे आपको प्रेषित की जाती है। ऐसे ही आप बात करें पुलिस कांस्टेबल की, तो आपको ज्ञात होगा कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का भी सारा जो प्रोसेस है उसकी लगभग वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन उसमें दिक्कत ये की आ रही है कि जो आपका ये जो उसका कोरोना काल के दौरान देखिए भर्ती रैली होती है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें बच्चे आते हैं, तो सरकार नहीं चाहती कि इस तरह का कोई रिस्क लिया जाए। तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां नॉर्मल हो रही है, तो कुछ दिनों में आपको पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। और आपको बताना चाहेंगे जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश पालमपुर, उसका जो GIT की परीक्षा है, उस परीक्षा का आयोजन भी 21/7/2021 को होगा। करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने 50 वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, तो इसके लिए भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर दीजिएगा। और एक देखिए 400 पोस्ट फॉर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर्स ओकेड, तो देखिए 400 के आसपास ही वैकेंसीज यहां पे देखने को आपको मिलेगी। शिमला से न्यूज प्रकाशित हुई है ट्रिब्यून समाचार पत्र में, तो 400 वैकेंसीज आपको देख के फिर से हेल्थ सेक्टर में और देखने को मिलेगी। और स्टूडेंट्स, हमने पिछले कल भी आपको बताया था कि HS की परीक्षा के लिए आपको लाखों रुपए की कोचिंग करने से अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा। यहां पे आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसमें हमने बताया था कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा ताकि आपको एक पूरी जानकारी मिल जाए। और स्टूडेंट्स, पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए भी हम बता दें कि आपकी जो वैकेंसीज का स्ट्रक्चर है, देखिए करीब यहां पे 1334 वैकेंसीज आपके लिए आने वाली है। तो ये उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, कुछ दिनों में पब्लिश हो जाएगी, तो आप पढ़ते रहिए, नियमित रूप से अपनी तैयारी करते रहिएगा। देखिए HS के लिए ये किताब बहुत उपयोगी किताब है, अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप। ओल्ड क्वेश्चन पेपर की किताब है, डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व की गई है। पुलिस कांस्टेबल की किताब भी हमारी लॉन्च हो चुकी है। और HS के अभ्यर्थी एक वर्ष के करंट अफेयर्स पढ़िएगा, हिमाचल प्रदेश गिरा समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स हमारी इस किताब में अवेलेबल है। और भी विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप विजिट कीजिए elastudy.co.in वेबसाइट को, नियमित रूप से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elastudy यूट्यूब चैनल।